बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल सुनीता ब्लॉग्स में मैं सुबह का पूरा काम कंप्लीट कर ली हूँ, अब नहा के आ चुकी हूँ। अब आज मेरी मम्मी लोग मेरी मम्मी लोग जाएंगी प्रसाद चढ़ाने पथरौला कालिका मंदिर। प्रसाद में क्या क्या बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज जो अषाढ़ में अषाढ़ी चढ़ाते हैं ना, उसी को मेरी मम्मी लोग चढ़ाएंगी, जिसको लेवाला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं गेहूं का आटा लगा चुकी हूं और अब इसको बेलेंगे। और मेरी दादी माँ वो क्या कर रही हैं, बेसन चना की दाल का वो आटा लगा रही हैं, चना की दाल का और गेहूं को पिसान का आज प्रसाद चढ़ाएंगी। दिखाऊंगी कैसे हम मेरी मम्मी लोग प्रसाद चढ़ाती हैं आषाढ़ के महीने में। अगर आप लोग भी चढ़ाते होंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए गाइज, मैं बेसन का बेल चुकी हूँ, गेहूं का आटा, गेहूं का पिसान का ये भी बेल चुकी हूँ पूरे। अब हम इसको सबको सिराएंगे। देखिए कैसे सिराती हूँ। इसको दादी लोग कोरबा बोलती हैं। ये गेहूं का कोरबा है, ये बेसन का है। इसको शंकर जी में चढ़ाया जाता है। आप लोग भी चढ़ाते हैं बताइएगा हमारे कमेंट में। देखिए कैसे बेल बेल के रखे हैं। अब सिराने वाली हूँ, मैं दिखा रही हूँ कैसे सिरा रही हूँ। देखिए मैं हाथ से इसको बना रही हूँ, इसको सिराऊंगी। दो ठो बना लिए, पांच ठो सिराना पड़ेगा घी से शंकर जी को चढ़ाने के लिए। देखिए मैं पांच ठो बना के हाथ से पो के तैयार कर लिए हैं और इसमें डालेंगे, इसमें घी से सिराएंगे इसको। और इसको आप निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे, सिल्वर गया है तो। कितना अच्छा बन रहा है देखिए। मैं आज वहाँ जाऊँगी पथरौला मंदिर प्रसाद चढ़ाने, अषाढ़ी दादी लोग बोलती हैं। उधर मेरी दादी बेल भी रही हैं। कहा करी थी दादी आज? अषाढ़ में चढ़ावत है, अषाढ़ी अषाढ़ी कहा था। अब लिबाला कहा था ना रोड। अब गाइज अपना बंजन का कहीं लाभ है, हम लोग कहीं लिबाला कही थी अषाढ़ी माता जी के दादी घर का निकाई भलाई निकाई भलाई बात है बाबा। बात है दवाई खाई थी कुछ? अरे हो गया पसवाई थी नाती लाई थी तो खाई थी तो हो गया। आराम नहीं मिला थोड़ा का थोड़ा आजकल तो सब एक बात है लड़के बस लेके ही सियान तक का। देखिए गाइस मैं सिरा के तैयार कर ली हूँ, अब ये तेल से सिराएंगे, घी से सिराए हैं, तेल से सिराते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए मैं इसमें तेल डाल चुकी हूँ, अब इसमें डालेंगे बेसन का जो बनाई थी पहले, बेसन को बनाया, बेसन का डाल रही हूँ। कितना अच्छे से बन रहा है। फटाफट जल्दी जल्दी से डाल लेते हैं। निकाल रही हूँ बन गया। फटाफट से जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे से बन रहा है। आप लोग भी बनाइए। जल्दी जल्दी से और निकालेंगे, जल्दी जल्दी बनते जा रहा है। आज मेरी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं है, बहुत तेज़ी सर्दी जुकाम कर दिया है।
देखिए मैं गोल गोल जो बनाए थे ना, क्या बोलती हैं दादी, कोरबा को भी सिरा लिए हैं खाने के लिए। देखिए कितने अच्छे बना है, देखिए मेरा बेसन का सिरा चुकी हूँ, कितना अच्छा बना है। और मैं अब गेहूँ की आटे की सिराऊंगी, गेहूँ का क्या बोलते हैं, और पढ़ाइए भैया। देखिए अब इतना अच्छा फूल रहा है, क्या बताएं, इतना अच्छा लग रहा है। और ये फोटो बनवा रही है बेटा, उसी जगह हम चढ़ा के, ये हमारी दादी है, देखिए गिलास पहन ले वो। देखिए इसमें चावल, सेंदूर, हरदी, घी, गुड़ सब रख लिए हैं। अब जा रहे हैं चढ़ाने शंकर जी को, पहले घर में चढ़ा लेंगे शंकर जी को, फिर इसके बाद मंदिर जाएंगे। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरह के आज मैं चढ़ाऊंगी लिवाला। देखिए मेरी दादी घी गुड़ का होम दे रही हैं, पहले घी गुड़ का होम दे रहेंगी, फिर अब दे रही घी गुड़ का होम, फिर इसके बाद चावल चढ़ाएंगी शंकर जी को। ये साखिन माता है घर में, साखिन माता को पहले चढ़ा देती हैं, चावल चढ़ा रही हैं, चावल और दाल। फिर इसके बाद ये वो जो प्रसाद बनाई थी ना, वो रोट बनाई थी, उसको चढ़ाएंगी अच्छे से। सब चढ़ा टीक दी हैं, हल्दी टीक दी हैं, सेंदूर टीक दी हैं, अब उसको सब रोट चढ़ा देंगी उसी में शंकर जी को। देखिए कैसे चढ़ा रही है मेरी दादी। और टीक भी रही हैं, पहले और टीक दी थी और बाद में भी टीकेंगी। पूरा चढ़ाने के बाद हल्दी, सेंदूर, चावल सब छीड़ देंगी उसमें, टीक देंगी। आप लोग भी ऐसे करते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर जल उतार लेंगी चढ़ाने के बाद। तो फिर उसका शंकर जी का पैर पड़ेंगी दादी, देखिए कैसे पैर पड़ रही हैं। फिर सब उसको उतार के अब रख लेंगे। मेरी चाचा की लड़की आई थी, छोटी है वो, कन्या दादी लोग बोली देखिए कि वो कन्या है, उतार सकती हैं, तो उसको दे देंगी दादी लोग। अब जाएंगी मंदिर, दादी और मेरा भाई जाएगा। अभी बहुत छोटी है, तीन चार साल की है, बोलते हैं कन्या लोग खा सकते हैं इसको। और चढ़ा दिए हैं और उतार ली हैं।
तेतेज बोलू तेतेज साइकिल में बैठा के भाई ले जाइए दादी के पथरौला काली का मंदिर मैं जाती ला गई बाय दादी चली गई है। अब मेरी मम्मी खाना बना रही है। खाना में आज बूंदिया की कढ़ी बना रही है। मेरी मम्मी बूंदिया झाड़ के रख ली हैं। देखिए कितनी अच्छी बूंदियाँ हैं मेरी और इसमें बेसन घोर चुकी हैं। जब बलकने लगेगी तो इसमें डाल देंगी बूंदी। क्या बना रही है आज मम्मी? बूंदी की कढ़ी माठा की कढ़ी बनाई है। कढ़ी और ये भात मस्त खाएंगे। भात बनाएंगे और कढ़ी और भात बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। दिखाऊंगी मेरी कढ़ी बलकने लगी है तो इसमें डाल देंगे बूंदी। देखिए कैसे डाल रही हैं। इतनी अच्छी कढ़ी है कि क्या बताएं, खाने में मजा आ जाएगा एकदम। देखिए कितना अच्छा है। सब डाल दिए हैं मेरी मम्मी बूंदी पूरे बूंदी। अब अच्छे से बलक बलक के बन जाएगी, चुर जाएगी। देखिए कैसे बलक रही है। मेरी कढ़ी बन के तैयार है। देखिए कितनी अच्छी से मेरी कढ़ी बनी है, दिखा रही हैं। थाली में निकाल लिए हैं खाने के लिए। इतनी परफेक्ट बनी है क्या बताएं। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।